की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। याद करिए, कानपुर कभी उत्तर प्रदेश और देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस मॉडल न होने और कानपुर के पूर्वी आज इस क्षेत्र के नागरिकों के बारे में शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण यह औद्योगिक नगर धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते गए, अराजकता के शिकार होते गए और अंततः न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा की धारा को भी सबसे ज्यादा खराब करने के लिए अगर किसी एक नगर को दोषी ठहराया जाता था तो कानपुर नगर को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसा मऊ नाला, जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मैया में उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह बंद करके एसटीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद सीवर सीसा मऊ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है। कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं, चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य आपने देखा होगा, अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहां की मांग थी, ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेमानी और भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बदलता हुआ कानपुर है और इससे ऊपर आज प्रदेश सरकार की वे तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जिनकी लागत 550 करोड़ रुपए है। 550 करोड़ की ये योजनाएं भाइयों बहनों, 550 करोड़ की ये परियोजनाएं हो, मेट्रो हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई, ये तब संभव हो पाया है जब मंच पर बैठे हुए ये सभी जनप्रतिनिधि और निष्प्रयास करते हैं, अपना एक एक पल एक एक क्षण विकास के लिए और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए समर्पित करते हैं। तो विकास एक कानपुर में, कानपुर की किसी विधानसभा क्षेत्र में, कानपुर के किसी मोहल्ले में, कानपुर के किसी वार्ड में, तब विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती भी दिखाई देती है। और आज उस सब के प्रति मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करने और कानपुर वासियों को बधाई देने के लिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जब विकास की परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था इन परियोजनाओं में सड़क के भी है, बिजली के भी है, पानी के भी है, स्वास्थ्य के भी है, स्किल डेवलपमेंट के भी है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। और मंच पर जब मैं आया तो मुझे सौभाग्य मिला यहां पर इन मासूम बच्चों के अन्न प्राशन को संपन्न करने का। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने निडर होकर के
वे यहां पर मेरे सामने हंस रहे थे। आप मालूम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर में बच्चे व्यक्त कर रहे थे जिनमें उनको पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है कि वो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया किसने? उन लोगों ने जिन लोगों ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रख दी थी प्रदेश की स्थिति को, प्रदेश के विकास को, और देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकृत प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। देखते देखते यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में प्रभु राम ने कभी जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश में कभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश को बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जिस उत्तर प्रदेश में मां गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की सबसे अधिक दूरी तय करती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव की अनुभूति करने की बजाय एक समय उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये कौन लोग हैं भाइयों बहनों? ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता अधिष्ठान में काबिज होने का, विकास पर जबरन कब्जा, विकास की परियोजनाओं पर जबरदस्ती डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में है और मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था। दो दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई पक्षा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। ये लोग कोई ऐसा अवसर नहीं गवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, प्रदेश में अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं के पैरवी करने और प्रदेश को हर स्तर पर प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं कभी ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं नागरिकों को मिल रही है इन्हें बुरा लग रहा है, आज इनको परेशानी कब होती है जब किसी गरीब को शौचालय मिल जाता है, किसी गरीब को आवास मिल जाता है, किसी वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन, किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन और किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन मिलती है, किसी किसान सम्मान निधि, किसी किसान को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है। इन लोगों को बुरा लगता है
जब किसी पेशेवर अपराधी की संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है तब इनको बुरा लगता है। भाइयों बहनों, इनकी सहानुभूति प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, न पहले थी, न उनकी सहानुभूति आज है और न आगे आने वाली है। ये लोग तो वह हैं जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था और जिन्होंने प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद कैसे उस पर डकैती पड़ती थी, एक परिवार वसूली में निकल पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं जो हमारी सरकार 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा की है, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यह सरकारी नौकरी कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता, बिना भेदभाव के किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी गई। प्रदेश का जो नौजवान योग्य होगा वह उस परीक्षा को पास करेगा, प्रदेश सरकार उसको सम्मान के साथ प्रदेश में सेवा का अवसर प्रदान करेगी और वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। 4.5 लाख नौजवान, इस 4.5 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता था लेकिन नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि कैसे कानपुर के मेरे मंत्रिमंडल में दो प्रमुख लोगों ने शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। याद करिए, जब परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाना था तब एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री के रूप में थे श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, उन्होंने उस समय एक जनपद एक उत्पाद की योजना उस समय हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी। और भाइयों बहनों, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और यही नहीं, दूसरे हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए निवेश की प्रक्रिया को तेजी करने का कार्य किया। और आज आप देख रहे होंगे जिस प्रदेश में कोई दूर दूर तक देखने के लिए नहीं आता था, और कानपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है कि लगाव उद्योग बंद होता था या बंद करवाया जाता था, लेकिन आज प्रदेश के अंदर नए निवेश के द्वार खुले हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश हुआ है। जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी तब उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतारने की कार्रवाई हो रही थी। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर नए नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और कानपुर तो अब तक परंपरागत उद्यम के साथ साथ अन्य विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, यह कानपुर तो अब, भाइयों बहनों, कानपुर में अब अत्याधुनिक तोप भी मिलेगी, तोपों का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। भारतीय सेना को भारत के अंदर स्वदेशी हथियारों की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यहां की थी ही, लेकिन हम लोगों ने लगभग 300 एकड़ भूमि को यहां पर अधिग्रहित किया है और अधिग्रहण की कार्रवाई डिफेंस कॉरिडोर के एक नए नोड के रूप में कानपुर को पुनः उसके गौरव को प्रदान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। और आज उसी का एहसास कराने के लिए फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने उन सभी संस्थाओं का योगदान यहां पर लिया है, चाहे वह आईआईटी कानपुर हो, एसबीटीओ कानपुर हो, एकेटीयू लखनऊ हो, या फिर अपने तकनीकी संस्थानों को इनके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये तकनीकी संस्थान केवल डिग्री बांटने के मद्दे नहीं होंगे, ये तकनीकी संस्थान प्रदेश के नौजवानों के अंदर
प्रदेश के प्रति और मातृभूमि के प्रति एक नया लगाव पैदा करने के माध्यम भी बनेंगे और व्यापक रोजगार सृजन के साथ स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित भी होंगे। इस दिशा से आज इन सभी तकनीकी संस्थानों का सहयोग लेकर के प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश इस क्षेत्र के और इस जनपद के अपने स्थानीय यूनिट को, जिन्होंने यहां पर तेजी के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर कार्य कर रहे श्री ब्रजनाथ जी को, एक पुलिस अधिकारी पुलिस सेवा में जो बेहतरीन प्रदर्शन कर ही सकता है, वहां पर अपराधियों के और पेशेवर माफियों के छक्के तो छुड़ाता ही था, आज विकास के इस मॉडल को यहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कैसे उस अभियान को आगे बढ़ाना है, आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भी उन्होंने यहां पर आकर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, श्री सलील बिश्नोई जी यहां पर पहले से कार्य कर रहे हैं और तमाम अन्य कार्यकर्ता जिन्होंने पहले से ही अपना पूरा समय विकास के इस अभियान को समर्पित किया है, आज आप सबसे यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 7.5 वर्ष होने जा रहे हैं केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, बिना रुके बिना टिके बिना थके और बिना झुके भारत माता के लिए एक एक क्षण और भारत माता की सेवा के लिए देश की 135 करोड़ की आबादी के लिए उन्होंने अपने पूरे समय को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से पिछले 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भी बिना रुके बिना झुके बिना टिके और बिना हटे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना एक एक क्षण समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के विकास के लिए अपना समय समर्पित किया है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, सरकार प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश सरकार प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, याद करिए 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने तमाम चुनौतियों को जूझा जूझा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जीवन और जीविका के साथ खिलवाड़ करने की छूट न तो कोरोना महामारी को दी, न किसी पेशेवर अपराधी और किसी माफिया को ही दी है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आपके पास आएंगे, ये वही लोग हैं जिनके समय में हर तीसरे दिन प्रदेश में एक बड़ा दंगा होता था, जिनके समय में कानपुर भी उससे छूटा नहीं था, और तो और इन्होंने सीए के दौरान भी कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। तब हम लोगों ने कहा था कि अगर दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों को भी लिख के छोड़ना, कि 7 पीढ़ियों तक उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, इस बात को पूर्ण कर लेना। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, प्रदेश सरकार सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल आपको दे रही है, प्रदेश सरकार सुशासन का एक बेहतरीन मॉडल आपको दे रही है, और केंद्र प्रदेश सरकार ने विकास और सुशासन का एक मॉडल आपको दिया है। इस मॉडल से ही उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है।
ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के लिए अगर 4.5 वर्ष हम लोगों ने पूरे समर्पण भाव के साथ यहां के जनता के लिए समर्पित किए हैं, मेरा सबसे आह्वान होगा अगले 6 महीने का समय आप सभी मिशन उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित करिए। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि मिशन उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए अपने मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप सभी कानपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।